दिस इज रम्या एंड माय पेड। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम दोनों वापस आ गए हैं एक हॉरर गेम लेके, और ये वाला सीरीज जो है इस हफ्ते का हॉरर सीरीज नहीं है प्रॉमिस, बट इट्स जस्ट की चैलेंज सीरीज है। और चिन्नू ने एक और गेम ढूंढ के लिया है मेरे लिए कि आप ये भी खेल के देखो, और आप लोग के नीचे कमेंट्स में भी था लास्ट वाले गेम में कि ये वाला खेलो ये वाला खेलो, तो उसमें से चिन्नू ने कोई एक सेलेक्ट किया राइट, और वो हम आज खेलने वाले हैं। तो मैं और मेरा पेड़ वैसे किसी से डरते तो है नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फिर बस अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना एंड इस वीडियो को 25,000 लाइक्स तक पहुंचा देना। अगर आपको ऐसे और हॉरर गेम्स खेलवाने हो मुझसे तो ये बस 25,000 लाइक्स तक पहुंचा देना, मेरे को बहुत खुशी हो जाएगी उतने में। एंड आप लाइक करोगे यार तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं, तो यार लाइक करें बिना मत जाना। एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि न्यू वीडियोस पोस्ट करती हूं एवरी वीक को विच आर देयर ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे शार्प एट 2 PM। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गेम है थोड़ा हॉरर प्लस ट्रिविया गेम है जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि पिछले वाले में था, बट इसमें भी थोड़ा हॉरर एक्सपीरियंस के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ ही आंसर करते रहना है ना, तो जिससे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अकेले नहीं हूँ। वैसे अकेले तो नहीं हूँ, ये बावड़ी यहाँ बैठी है, बट ठीक है फिर भी। लेट्स बिगिन। गेम में से वेरी साइलेंट क्रीपी सी साउंड आ रही है तो, और ये पुराना स्कूल लग रहा है, और क्या है इधर लॉकर्स हैं पुराना सा, पीछे क्या पहले मुझे वो देख लेने थे, वो डोर है। ठीक है मैं यहीं से घुस के आई हूँ, एकदम से कुछ सामने तो नहीं आएगा ना? नहीं, ओके ऑलराइट, आगे जाया जाए। ओहो कदमों की भी आवाज़ आ रही, मैं डरूंगी नहीं इस बारी। विच इज द राइट वे टू गो, लेफ्ट या राइट? राइट वे पूछा है ना तो राइट राइट अच्छा जाना ही पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है भैया। और फिर से एक सवाल, इधर उधर कोई कूदेगा तो नहीं ना मेरे पे? चलो जल्दी चलो सवाल देखा जाए। क्यूबिक जिरकोनिया इज अ सिंथेसाइज्ड मटेरियल ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ व्हाट प्रेशियस स्टोन? ये क्या है? डायमंड जैसा है तो डायमंड, लेट्स गो। बेसिकली क्यूबिक जिरकोनिया वॉज सम काइंड ऑफ अ डायमंड, तो इसलिए मैंने डायमंड सेलेक्ट किया है। मेरे को चलने वाली आवाज़ जो आती है ना वो सबसे ज़्यादा स्कैरी लग रही है अभी तक इसमें कुछ स्कैरी नहीं हुआ। इन वॉट कंट्री वुड यू फाइंड माउंट, ये क्या है? ये तो क्वेश्चनर्स है। इन वॉट कंट्री वुड यू फाइंड, मेरे जैसे बुद्धू के लिए नहीं है ये। इन वॉट कंट्री वुड यू फाइंड माउंट किलिमंजारो? आई गेस तिब्बत। नहीं अब मैं आगे नहीं जाऊँ, ओ शिट मैं अब आगे नहीं जाऊँगी, मैं आगे नहीं जा सकती। नहीं 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 नहीं, ये लॉकर रूम खुल गया यार, लॉकर रूम खुल गया। आगे जाओ आगे जाओ। गलत आंसर देने पे होता है क्या? टिबेट नहीं था, मैं पीछे जा रही है, मैं वापस पीछे जा रही हूँ। ओ शिट ओ शिट, दरवाज़ा लॉक्ड है, अब मैं फिर को पीछे मुड़ने में डर रही है। ठीक है कोने से चलते हैं, कोने से थोड़ा कोने से। ए मम्मी मम्मी कुछ मत आना, नहीं कुछ नहीं आया। इन व्हाट ईयर डिड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन टेक प्लेस? व्हाट द, हाँ 1666 ओके। अंधेरा होता जा रहा है, मुझे ही दिख रहा है। अच्छा इधर इधर मैं इधर जाऊंगी, लेट मी गो। चल यार इतने खतरनाक क्वेश्चंस हैं पूछो मत। हु वाज, ये वैसे यूएसए से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना यार, इंडियन क्वेश्चंस होता तो फिर भी मेरे को जवाब देने आते होते, मैं यूएसए कहाँ से लाऊं। हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी? इन दोनों प्रेसिडेंट्स के नाम भी नहीं सुने मैंने। हैरी एस ट्रूमैन एंड ड्वाइट डी एसेनहोवर। चल इस बार मैं तुक्के से जा रही है, अनादुर्सेत। चलो सही जवाब था क्या? ये सही जवाब था, आई एम गेसिंग, तभी कुछ हुआ नहीं मेरे साथ।
वॉट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ग्रीनलैंड? स्कॉटिश? ग्रीनलैंडिक तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत ही फनी चीज़ हो जाएगी कोई अगर ग्रीनलैंडिक को सेलेक्ट कर ले तो. बट डोंट टेल मी वही हुआ तो. गलत था क्या? ग्रीनलैंड? ओ कुकु बोकरी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अंधेरा हो गया चीनू थोड़ा सा और वो दिख थोड़ा कम रहा है. फॉगी होता जा रहा है क्या? मुझे दिख थोड़ा कम रहा है. मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं? मम्मी रोंगटे खड़े हो गए चीनू देख. मकाओ इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी बिलोंगिंग टू विच कंट्री? तो मुझे पता है चाइना. फिर भी मेरे पास अगर भूत आया ना भगवान. पर मैंने सही जवाब दिया होगा ना. क्यों आया भूत? ग्रीनलैंडिक है क्या लैंग्वेज? क्या ग्रीनलैंड की लैंग्वेज? हाँ, स्कॉटिश नहीं है ग्रीनलैंडिक नाम से भी कोई लैंग्वेज है? शिट, तभी भूत आया था. पर अभी तो कुछ नहीं आएगा. चार डायलेक्ट्स हैं, ग्रीनलैंडिक, वेस्ट, ईस्ट. ओ तभी मैं सोचा यार मजाक में डाल दिया ग्रीनलैंडिक ऑप्शन. What is the name of the main protagonist in the Legend of Zelda series of video games? Hi Rabba, कौन से ज़माने के क्वेश्चन से मुझे तो कोई आइडिया नहीं है. लेकिन प्रोटैगनिस्ट मीन्स जो लीड रोल्स होते हैं, जो एक सीरीज में जो लीड रोल करते हैं उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं. इन द लेजेंड ऑफ जेल्डा सीरीज, तो यार जेल्डा ही होगी ना. जब जेल्डा सीरीज का नाम सीरीज है तो इस बार ऐसे जाती हूँ क्योंकि पिछली बार ग्रीनलैंडिक से ग्रीनलैंडिक में नहीं जा पाई थी ना मैं. पिछली बार मैं राइट में गई. ये स्कूल है क्या एक्चुअल में? इन आर सोलर सिस्टम विच टू प्लैनेट्स रोटेट क्लॉकवाइज? शिट, ऐसे क्वेश्चन क्यों? वीनस एंड यूरेनस रोटेट क्लॉकवाइज. लेट्स गो विद वीनस एंड यूरेनस. वीनस एंड यूरेनस. I'm guessing सही जवाब था. अभी तक कुछ नहीं हुआ. आयरलैंड सफर्ड द ग्रेट फेमाइन बिगिनिंग इन 1845 ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ व्हाट क्रॉप? पोटैटो. फेमाइन आ गई तो राइस होगा. पोटैटो से तो क्यों ही होगा ना, पता नहीं कुछ भी हो सकता. गलत जवाब था ना. मैं आगे जा रही है, जल्दी भाग रहा हूँ मैं जल्दी. मैं पीछे मुड़ के देखूँ क्या? वहां पे एक आदमी था. अब वो मेरे पीछे होगा क्या? मैं मुड़ू क्या? कहीं नहीं है. What chemical gives the blood of a lobster a bluish tint? Let's go with iron. Why? Why? बार बार मैं इसे क्यों डरती हूँ? कॉपर था, मैं जा रही हूँ वापस. कॉपर के पास जा रही है. Let me go. नहीं खोल के दोगे क्या दरवाजा? इसकी तो कहाँ है ये? कहाँ है? कहाँ है तू? कहाँ है तू? हैं? डरती नहीं मैं तेरे से. कहाँ है तू? कहाँ गया? हाँ, वो अलग बात है, मेरे रोंगटे कुछ और ही बोल रहे. पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय विच स्कॉटिश साइंटिस्ट? किसी का नाम भी नहीं पता मेरे को, तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ इस साइड. या तो मैं जीतूंगी या तो हारूंगी. I lost. मतलब मेरे रैंडम चॉइसेस भी कितने गलत थे. तो बेसिकली इसमें दो चार जंप स्केयर्स थे और थोड़ा स्कैरी थोड़ा इधर उधर था, बट इतना स्कैरी नहीं था जितना मुझे सर्वे लग रहा था. बट अगर आपको डर लगा तो आप बताना, और आप में से कितने जनों ने सही गेस करे थे और सही आंसर्स करे थे वो भी बताना, और कितने जने थे जो मेरे तरह डम्बो की तरह गलत आंसर्स करते थे भी बता देना नीचे.
Hi guys, so आज का notification shout out जाता है रिशिका सहाय, वंशिका सोनारे, राजेश यादव and शिवानी सोनी. Thank you so much guys for being my notification squad member. I'm really really grateful. आपको भी next video में notification shout out चाहिए तो all you have to do is comment down below and use hashtag notification squad. So that was it for today's video guys. I hope आपको आज का video पसंद आया हो. अगर आपको इस game का name जानना हो तो मैं description box में comment में डाल दूंगी, तो जाके आप check कर लेना. तो यार like जरूर कर देना, हर एक जन एक एक like कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए. 25,000 likes तक इस वीडियो को पहुंचा देना अगर आपको ऐसे और गेम्स देखने हो तो. एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना. एंड नाउ आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.